अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की चैप्टर 9 का थ्योरम 1। हमारे पास क्वेश्चन है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन पर, एक प्लेन पर लाई करते हैं। नॉन कोलिनियर यानी वो एक लाइन पर नहीं लाई करते। गिवन है हमारे पास ए बी सी और थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। हमारे पास पॉइंट ए बी और सी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं एक प्लेन के, यानी ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर सकते आपस में। ये तीनों पॉइंट्स ही नॉन कोलिनियर हैं आपस में। टू प्रूव वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी, हम इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सिर्फ एक सर्कल पास करा सकते हैं, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, जॉइन ए विद बी एंड बी विद सी। ए पॉइंट को हम बी से ज्वाइन करेंगे और बी को सी से। ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। डी एफ हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे ए बी का, जो ए बी को हाफ में डिवाइड करे डी एफ, और इसी तरह बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच के होगा। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और डी एफ और एच के आपस में पैरेलल नहीं हैं और ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पे मीट करते हैं। ऑल्सो जॉइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। अब हम ए बी और सी को पॉइंट ओ से जॉइन कर देंगे। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। प्रूफ देखते हैं, स्टेटमेंट्स। एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। पहली स्टेटमेंट हमने लिखी कि डी एफ पे कोई भी पॉइंट हम ले लें, यहाँ पे अगर ओ है और वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, तो डी एफ पे अगर हम कोई और पॉइंट ले लें ओ के अलावा, तो वो भी ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होगा। ये हमने पहली स्टेटमेंट लिखी कि एनी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। रीजन इसकी ये है कि डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, ये कंस्ट्रक्शन थी। अगर डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, यानी वो ए और बी को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, और डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, तो वो ए और बी से एक ही मेजर पर होगा। जितना ए से होगा उतना ही बी से होगा। इन पर्टिकुलर मेजर ओ ए इज इक्वल टू मेजर ओ बी। अब हम इससे ये स्टेटमेंट निकालते हैं कि ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, क्योंकि डी एफ इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ओ डी एफ पे एक पॉइंट है, इसलिए ओ इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, सो देयरफॉर मेजर ओ ए इज इक्वल टू मेजर ओ बी। इसको हम वन का नाम दे देंगे। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। इसी तरह कोई भी पॉइंट जो एच के पे होगा वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंट होगा, क्योंकि एच के बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर इन पर्टिकुलर मेजर ओ बी इज इक्वल टू मेजर ओ सी। इसी तरह अगर एच के पे एक पॉइंट ओ है, तो ओ बी इक्वल होगा ओ सी के। इसको हम टू का नाम देंगे। इसकी रीजन भी यही है कि एच के इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, विच इज इन द कंस्ट्रक्शन। नाउ ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। अब हम कहते हैं ओ ही एक कॉमन पॉइंट है डी एफ और एच के पे, मतलब जो डी एफ पे भी है एच के पे भी है, और जो इक्विडिस्टेंट है ए बी और सी से। ओ इक्विडिस्टेंट है ए और बी से, और यहाँ पे एच के पे जो ओ है वो इक्विडिस्टेंट है बी और सी से। अगर मेजर ओ ए इज इक्वल टू मेजर ओ बी एंड मेजर ओ बी इज इक्वल टू मेजर ओ सी, तो इसका मतलब है डेट इज मेजर ओ ए इज इक्वल टू मेजर ओ बी एंड मेजर ओ बी इज इक्वल टू मेजर ओ सी। यूजिंग वन एंड टू हमने ये स्टेटमेंट लिखी। हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ, यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं आना था एक्सेप्ट ओ। हम कहते हैं लेकिन ओ के अलावा इस तरह का कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं। हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी। इस वजह से कोई सर्कल जिसका सेंटर ओ हो और रेडियस ओ ए हो, वो ए बी एंड सी से पास करेगा। अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सर्कल विच पासिस थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। और हमें ये पता चलता है कि एक ही सर्कल है जो थ्री गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी से पास हो सकता है, क्योंकि ओ के अलावा हमारे पास कोई भी और पॉइंट नहीं ओ की तरह का। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।